एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है चीन से ही, जहां पर रेलवे रोड पर दो मंजिला दुकान गिरी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर चीन से आ रही है। चीन में रेलवे रोड पर दुकान गिरी है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो हादसे का वीडियो 5 दिन पुराना ये वीडियो जो है वो बताया जा रहा है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वीडियो सामने आया। देखिए किस तरह के भरभराकर दुकान जो है गिर गई है। परमजीत हमारे साथ इस बीच बने हुए हैं। परमजीत, ये हादसा ये कब का बताया जा रहा है? बिल्कुल अंजलि, देखिए रेलवे रोड पर जो है ये बिल्डिंग थी और ये काफी पुरानी बिल्डिंग थी और करीबन 5 दिन पुराना ये जो वीडियो सामने आया सोशल मीडिया पर, ये वीडियो जो है वायरल हो रहा था। तो एक बिल्डिंग है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस प्रकार से जो बिल्डिंग है वो एकदम धड़ाम से गिरती है। हालांकि इस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं था और किसी भी जो है बात करें लोगों को जान मान की हानि नहीं हुई है, लेकिन ये बिल्डिंग जो है जर्जर हालात में थी। काफी पुरानी ये बिल्डिंग थी, दो मंजिली बिल्डिंग थी और ये जो है पूरा मामला जो है रेलवे रोड में, रेलवे जो रोड है वहाँ पे उसका बताया जा रहा है। तो ये जो बिल्डिंग गिरी है इसमें किसी को जान मान की खतरा नहीं हुआ है और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो बिल्डिंग है ये गिरी है धड़ाम से ही एकदम। हालांकि जो वहाँ पे लोग जो है तफरा अफरी का माहौल जरूर बन गया था क्योंकि कई लोगों ने तो भागकर जान बचाई है। तो इस तरह की जो ये घटना है और ये जो घटना बताई जा रही है रेलवे रोड की है। कितनी पुरानी ये बिल्डिंग बताई जा रही है और इस तरीके की घटना यहाँ पर हुई है, प्रशासन की नींद खुली है यहाँ पर? इस तरीके की बिल्डिंग तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर कर सकती है। बिल्कुल अंजलि, देखिए ये काफी पुरानी बिल्डिंग थी और प्रशासन के संज्ञान में ये मामला अभी आया है क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिरी है तो फिलहाल जो है प्रशासन जो है इसको पूरी जानकारी ले रहा है कि कितनी पुरानी बिल्डिंग थी, कब तक जो है कब ये बनाई गई थी, कितना टाइम लगा था और कैसे ये गिरी। तो इसको लेकर जो है प्रशासन अपना पूरा जो है जो जांच है वो कर रहा है। लेकिन देखिए जो आम जो तौर पर देखा जाए जब ये बिल्डिंग गिरी जो आसपास के लोग थे उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया, एकदम एकदम तो भाग के अपनी जान बचाई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत इस तमाम जानकारी के लिए।